तो 6.9 से स्टार्ट कर रहे हैं, इंडक्टेंस वाला चैप्टर है। कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस इन अ कॉइल बाय फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाय द अनदर कॉइल इन अ विसिनिटी ऑफ इन द इन इट्स विसिनिटी और फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाय द सेम कॉइल। दीज टू सिचुएशंस आर डिस्क्राइब सेपरेटली इन द नेक्स्ट टू सबसेक्शंस। हाउएवर, इन बोथ द केसेस द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट इज फाई बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो क्या कह रहा है कि अगर हम करंट कैरिंग लूप से फील्ड पैदा कर रहे हैं, मतलब मैग्नेट से फील्ड नहीं पैदा कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी और उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो करंट और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब प्रोपोर्शनैलिटी किसी पर डिपेंड करेगी कि करंट कैरिंग लूप छोटा है बड़ा है, दूसरा लूप छोटा है बड़ा है, पास रखा है दूर रखा है, वैक्यूम में रखा है या उसके अंदर लोहे की रॉड पड़ी है, इस तरह के तमाम फैक्टर आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो भी कारण होगा, जब एक वायर में करंट चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, कह रहे हैं फॉर अ क्लोजली वाउंडेड कॉइल ऑफ एन टर्न्स द सेम मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद ऑल द टर्न्स। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब समझते हैं। क्या हो रहा है, मान लो मेरे पास चार कॉइल हों, ठीक है, और चारों कॉइल दूर दूर हों, ठीक है, और मैं मान लो इधर मैग्नेट रखूँ एक साइड में, तो क्या होगा, पहली वाली कॉइल में फ्लक्स ज़्यादा होगा जो पास है, जो कॉइल दूर होगी वो फ्लक्स कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में फ्लक्स लिखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल अभी, तो हम ऐसी कॉइल की बात कर रहे हैं विच इज़ क्लोजली वाउंड कॉइल। इसका मतलब क्या है, जो तार है वो एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, ताकि सारी कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स है वो एक बराबर है। व्हेन द फ्लक्स फाई बी थ्रू द कॉइल चेंजेस, ईच टर्न कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयरफॉर अ टर्म कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज इज यूज्ड विच इज इक्वल टू एन फाई बी। तो मतलब कह रहे हैं, अगर एक कॉइल का इंटीग्रल बी डॉट डी ए करके फ्लक्स फाई बी निकालें, तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो एन इंटू फाइव भी हो जाएगा। एंड फॉर अ क्लोजली वाउंड कॉइल एंड इज इन सच केस गड़बड़ हो गई, अ टर्म कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज इज यूज विच इज इक्वल टू एन फाइव बी फॉर अ क्लोजली वाउंड कॉइल एंड इन सच अ केस एन फाइव बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो एन फाइव बी इसलिए कह लिए बिकॉज हमने ये एज्यूम किया कि सब कॉइल के साथ फाइव बी सेम है, तभी एन से मल्टीप्लाई किए। वो इसलिए किए क्योंकि कॉइल्स क्लोजली वाउंडेड है, ऐसा नहीं कोई छोटी है कोई बड़ी है कोई पास है कोई दूर है, ऐसा नहीं, सारी कॉइल एक ही जगह पर है एक तरह से, मैंने मान लिया। द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इंडक्टेंस। ठीक है, तो फ्लक्स और टोटल फ्लक्स और करंट का जो रेशो है वो इंडक्टेंस कहलाता है। वी शैल सी दैट द इंडक्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये चीज डिपेंड करेगा कि कॉइल मोटी है पतली है, ज़्यादा टर्न है कम टर्न है, ठीक है, इस तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो वी शैल सी दैट द इंडक्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल एंड इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी, जैसे मैं कह रहा था कि भाई कॉइल के अंदर हवा भरी हुई है या कॉइल के अंदर लोहे की रॉड डाल दोगे, लोहे की रॉड डाल दोगे तो क्या होगा, फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से फैक्टर चेंज। दिस एस्पेक्ट इज अकिन टू कैपेसिटेंस विच हैज विच फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द प्लेट एरिया एंड द प्लेट सेपरेशन एंड द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम। ठीक है, तो जैसे कैपेसिटर में जितना चाहो उतना वोल्टेज लगाओ, उसी हिसाब से चार्ज वेरी कर जाएगा, लेकिन चार्ज और वोल्टेज का रेशो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो सिस्टम की प्रॉपर्टी है ना, प्लेट कितनी बड़ी है सेपरेशन कितनी है बीच में डायलेक्ट्रिक कौन सा पड़ा है। ऐसे ही यहाँ पर इंडक्टेंस जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का रेशो है। ऑब्वियसली ज़्यादा करंट दोगे फ्लक्स ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन वो रेशो जो है वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ डायमेंशन ऑफ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। ठीक है, तो फ्लक्स का डायमेंशन होता था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, तो उसको एक और करंट से डिवाइड कर दिया तो ये इंडक्टेंस हो गया। गिवन बाय द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय द डायमेंशन ऑफ करंट, द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, इट इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ जोसेफ हेनरी हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन यूएसए इंडिपेंडेंटली ऑफ फैराडे इन इंग्लैंड। ठीक,
अब ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस. कैन आई कंसीडर फिगर 6.15 विच शोज टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड ईच ऑफ लेंथ एल. ठीक है, तो देखो फिगर 6.15 में क्या हो रहा है, दो कॉइल है, एस वन जो है वो छोटी कॉइल है, इसका रेडियस आर वन है. ठीक है, एस टू बड़ी कॉइल है, इसका रेडियस आर टू है, लेकिन दोनों कोएक्सियल हैं. सिमेट्री के लिए हम लोग फिलहाल कोएक्सियल कॉइल्स की बात करेंगे. दोनों की लेंथ इन्होंने बराबर ले ली है एल. ठीक है, वी डिनोट द रेडियस ऑफ द इनर सोलेनोइड एस वन बाई आर वन एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बाई स्मॉल एन वन. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन वन है. इस पूरे टॉपिक में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे. कैपिटल एन इज कितने चक्कर हैं और स्मॉल एन इज कितने चक्कर डिवाइडेड बाई लेंथ. अब कह रहे हैं लेट अ करेंट आई टू इज सेटअप थ्रू एस टू. तो मैंने बाहर वाली कॉइल में करंट सेटअप किया. इट इन टर्न सेटअप अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एस वन. लेट अस डिनोट इट बाई फाइ वन. द करस्पॉन्डिंग फ्लक्स लिंकेज विद सोलेनोइड एस वन इज इक्वल टू एन वन फाइ वन विच विल बी इक्वल टू एम वन टू आई टू. अब धीरे धीरे बात करते हैं. मैं कर क्या रहा हूँ, कॉइल टू में करंट सेटअप कर रहा हूँ और उसकी वजह से कॉइल वन का फ्लक्स देख रहा हूँ. ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस. एक कॉइल में करंट की वजह से दूसरे में कितना फ्लक्स सेटअप हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है. आगे चल के सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे जो कि उसी कॉइल में करंट की वजह से उसी में कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, विल कम टू दैट लेटर. ठीक है ना, हाँ. तो अगर फील्ड की वजह से एक लूप में फ्लक्स फाइ वन है तो टोटल फ्लक्स एन वन फाइ वन हो जाएगा और उसको आई टू से डिवाइड कर देंगे तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा. यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस में एम वन टू का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल वन बिकॉज ऑफ टू. ठीक है ना, एम वन टू इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड एस वन विद रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड एस टू. इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. फॉर दीज सिंपल कोएक्सियल सोलेनोइड इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट एम वन टू. ठीक है, तो अब सोलेनॉइड्स क्योंकि हमको उसकी ज्योमेट्री के बारे में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है. ठीक है, और एरिया वगैरह सिंपल है, कोएक्सियल ही रखा है, तो यहाँ पे एम वन टू निकाल सकते हैं. ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट आई टू इन एस टू इज इक्वल टू म्यू नॉट एन टू आई टू. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, म्यू एन आई होती थी. यहाँ पर म्यू नॉट एन टू आई टू बिकॉज ये सेकेंड कॉइल में करंट की वजह से है. द रिजल्टिंग फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल एस वन इज एन वन फाइ वन इज इक्वल टू नंबर, जो पहला ब्रैकेट है वो क्या है, कैपिटल एन वन, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल वन और एरिया हो गया पाई आर वन स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तीसरा टर्म ब्रैकेट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. म्यू नॉट एन टू आई टू क्या है, ये बी है, पाई आर वन स्क्वायर ए है, इन दोनों का प्रोडक्ट, एक कॉइल के थ्रू फ्लक्स हो गया और उसको कैपिटल एन वन से मल्टीप्लाई कर लिया जो कि स्मॉल एन वन लिख दिया. ठीक है, तो यहां से फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर एल आई टू आ गया. और अब उस आई टू को फ्लक्स के नीचे भेज दें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर एल. ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू एरिया ऑफ कॉइल, छोटी वाली कॉइल, क्योंकि बड़ी वाली कॉइल चाहे कितनी भी बड़ी कर लो, छोटी वाली कॉइल का तो फ्लक्स उतना ही रहेगा, तो म्यू नॉट इंटू छोटी वाली कॉइल इंटू लेंथ और इंटू दोनों का प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक, नोट दैट वी नेग्लेक्टेड द एज इफेक्ट एंड कंसीडर्ड द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू आई टू टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द सोलेनोइड एस टू. ठीक है, हमें मालूम है एंड पे आकर के फील्ड फैल जाती है तो ना वो 90 रहती है और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड म्यू नॉट एन टू आई टू रहती है. लेकिन अगर हमारी कॉइल बहुत छोटी है और लेंथ बहुत ज़्यादा है तो वो जो एरर होगी वो नेग्लिजिबल होगी. तो कहना दिस इज गुड अप्रॉक्सीमेशन कीपिंग माइंड द सोलेनोइड इज लॉन्ग इम्प्लाइंग एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर. वी नाउ कंसिडर द रिवर्स केस. अ करेंट आई वन इज पास थ्रू द सोलेनोइड एस वन एंड द फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल एस टू. तो इस बार क्या हो जाएगा,
एन टू फाइव टू फ्लक्स हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू एम टू वन आई वन, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू इज टू वन इन टू करेंट इन वन. ठीक है, एम टू वन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलोनाइड एस टू विद रिस्पेक्ट टू सोलोनाइड एस वन. द फ्लक्स ड्यू टू द करंट आई वन एंड एस वन कैन बी एज्यूम टू बी कंसाइंड सोली इन साइड एस वन. तो अगर तुमको सोलेनॉइड वाला डेरिवेशन याद हो तो हमने क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड खाली सोलेनॉइड के अंदर होती है, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है. ठीक है, इसलिए इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ये म्यू नॉट एन वन आई वन होगी, इसमें तो कोई समस्या नहीं है. एरिया इस बार भी पाई आर वन स्क्वायर लेंगे क्योंकि पाई आर वन स्क्वायर के ही एरिया में फील्ड है, बाहर वाला जो एरिया है उसमें फील्ड ही नहीं है. ठीक है, हमने पहले ही पढ़ रखा था. और एन टू की जगह पर एन टू एल लिख लिया, स्मॉल एन टू एल. ठीक है, तो फिर यहाँ से आई वन को नीचे भेज दें तो एम टू वन की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर एल. और यहाँ से एम वन टू इक्वल टू एम टू वन आ गया, उसको कैपिटल एम कह दिया. ठीक है, अब ये हमने एक स्पेशल केस में सॉल्व करके दिखाया, पर रियल लाइफ में चाहे कोई कॉइल कैसे भी रखी हो, जैसे हमने कोएक्सियली रखी थी, थोड़ा एक कोने में कर दें, एक कॉइल यहाँ हो दूसरी उसके अंदर ना रखी हो, बाहर रखी हो, कैसे भी दो कॉइल रखी हो, जो एम वन टू है और एम टू वन है वो हमेशा इक्वल होंगे. ठीक है, पक्का. इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, भी एग्जाम्पल में भी रुक करके बताते हैं. We have demonstrated this equality for long coaxial solenoid. However, the relation is far more general. Note that if the inner solenoid was much shorter and placed well inside the outer solenoid, then we could still have calculated the flux N1 phi 1 because the inner solenoid is effectively immersed in the uniform magnetic field due to the outer solenoid. In this case, the calculation of M12 would be easy. क्या कह रहे हैं? मान लो बड़ा वाला सोलेनॉइड है, उसका रेडियस तो बड़ा हाई है, मान लो उसकी लेंथ भी बड़ी होती, यानी कि वो L2 होती, छोटे वाले की लेंथ L1 होती, और छोटे वाले की लेंथ जो L1 होती वो L2 से छोटी होती, अंदर रखा होता पूरा पूरा. ठीक है, तो ये कह रहे हैं अब की बार M12 को कैलकुलेट करना ईजी था, बिकॉज अगर मैं पीछे जा करके देखूँ जहाँ पर मैंने M12 कैलकुलेट किया पहले वाले में, देखो इक्वेशन 6.10 पे आओ, इक्वेशन 6.10 पीछे पेज पलटो. ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो मेरा एन वन एल है उसकी जगह पर मैं एन वन एल वन लिख दूंगा, क्योंकि भले ही दूसरा वाला सोलेनॉइड एल टू बड़ा हो लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स तो खाली एन वन एल ही है और बाकी फ्लक्स के लिए एरिया पाई आर वन स्क्वायर ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन टू आई टू रहेगी. ठीक है, तो यहां पर M12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, और L की जगह पर L1 छोटा वाला L आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि M12 को निकालना तो इजी है, हाउएवर इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द फ्लक्स लिंकेज विद द आउटर सोलेनॉइड एज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर सोलेनॉइड वुड वेरी अक्रॉस द लेंथ एज वेल एज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द आउटर सोलेनॉइड. अब क्या है, हमने पीछे जो फील्ड निकाली थी वो सोलेनॉइड के अंदर निकाली थी, सोलेनॉइड के बाहर फील्ड कैसे वेरी करती है, तो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया. तो चूंकि वो फील्ड ही ढंग से नहीं पता है तो M21 निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाले सोलेनॉइड की वजह से बाहर वाले में कितना फ्लक्स है ये निकालना बहुत मुश्किल है. देयरफॉर द कैलकुलेशन ऑफ M21 वुड ऑल्सो बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन दिस केस. The equality M12 is equal to M21 is very useful in such situation. ठीक है, तो अब क्या होता है, मैं सवाल पूछ लूंगा, जैसे यही सवाल था, मैं कहूंगा भाई एक बड़ा सोलेनॉइड है उसके अंदर एक छोटा सोलेनॉइड रखा है, अब छोटे सोलेनॉइड में करंट की वजह से बड़े सोलेनॉइड में फ्लक्स निकालो. ठीक है, तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मैं M21 नहीं निकाल सकता, लेकिन चूंकि मैं M12 निकाल सकता हूं इसलिए मैं M12 निकालूंगा, फिर कहूंगा M21 M12 के इक्वल है इसलिए M21 आ जाएगा, और M21 आ जाएगा तो फिर phi 2 इज इक्वल टू M21 into I1 करके मेरा काम हो जाएगा. तो ये इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें जो डायरेक्ट चीज पूछी गई है, 1 से 2 का रिलेशन पूछा गया है और 2 से 1 का रिलेशन निकाल के उसको सॉल्व कर दे, इस तरह के सवाल आएंगे. मतलब जो चीज पूछी गई है वो नहीं यूज करनी है, उल्टी चीज सॉल्व कर लेनी है,
और फिर दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वलिटी यूज करके प्रॉब्लम आगे लेकर के चलेंगे। तो अभी पीछे जो इनके सॉल्ट एग्जाम्पल, उसमें ऐसा एग्जाम्पल है, वी एक्सप्लेन द अबव एग्जाम्पल विद एयर एज अ मीडियम विद इन द सोलेनोइड, इंस्टेड ऑफ द मीडियम ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर हैज बीन प्रेजेंट, द म्यूचुअल इंडक्टेंस वुड बी म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो फील्ड होगी वो बी ना होकर के म्यू आर बी हो जाएगी, ठीक है ना, म्यू नॉट एन आई ना होकर के म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई हो जाएगी। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ अ कॉइल सोलेनॉइड एटसेट्रा डिपेंड ऑन देयर सेपरेशन एज वेल एज देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन, ठीक है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, मान लो दो कॉइल हैं, ठीक है, अभी तो एक कॉइल दूसरे के अंदर रखी थी, मान लो एक कॉइल को फैस जान दो, एक कॉइल को निकाल के दूसरे से बाहर रख दें, तो जितना ज़्यादा दूर ले जाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ कम होती जाएगी, तो इसका मतलब फ्लक्स लिंकेज कम होता जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा। या मान लो दो कॉइलें पास पास ही रखी हैं, लेकिन एक कॉइल को ऐसा रखा है दूसरे को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस थीटा, तो थीटा चेंज हो गया, तो भी ओरिएंटेशन चेंज हो जाने की वजह से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। बल्कि इस तरह का सवाल आता है, देखो जैसे एक कॉइल मान लो हॉरिजॉन्टल रखी है ऐसे, और दूसरी कॉइल वर्टिकल रखी है, तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सारी इस दिशा में होंगी और एरिया वेक्टर इस दिशा में है। तो अगर दो कॉइल की एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो फिर हम उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई फ्लक्स लिंकेज ही नहीं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जीत, मुझे बी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बी और ए एरिया परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरह के इजी इजी केसेस में ही पूछेंगे, अदरवाइज म्यूचुअल इंडक्टेंस इन जनरल निकालना मुश्किल है। अब ये एग्जाम्पल 6.9 हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें कह रहे हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस आर वन एंड अदर ऑफ लार्ज रेडियस आर टू, सच दैट आर वन इज वेरी वेरी लेस देन आर टू, आर प्लेस को एक्चुअली विद सेंटर कोइंसाइडिंग, ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। तो एक बड़ी कॉइल है, एक छोटी कॉइल है, छोटी कॉइल की वजह से बड़ी कॉइल में फ्लक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि छोटी कॉइल की वजह से बाहर कितना फील्ड है ये हमें सिखाया नहीं गया, लेकिन बड़ी कॉइल की वजह से छोटी कॉइल में फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर पे कितनी फील्ड है ये हम निकाल सकते हैं। तो ये मैं तुम्हारे लिए बोर्ड पे करता हूँ, कि बड़ी कॉइल है इसका रेडियस आर टू है, छोटी कॉइल है इसका रेडियस आर वन है, जैसा मैं बता रहा था फाइव टू बिकॉज ऑफ आई वन निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आई वन की वजह से फील्ड में अंदर तो निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ कितनी फील्ड निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फाइव वन इज इक्वल टू M1 डाउट है कुछ कितने अभी नहीं करेंगे, बता दें लेकिन कर लेंगे, तो याद दिला करा लेना। करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय टू आर, तो ये म्यू नॉट आई बाय टू आर के बराबर आर टू, ठीक है। यहाँ पर बड़े वाले रेडियस की वजह से ना, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इतने प्लस कितना हो गया बी इंटू वाई आर वन स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर इनटू म्यू नॉट आई पाई टू आर टू हो गई, और इस आई को इधर नीचे ले आए, आई भी हमें आई टू लिखना चाहिए, यहाँ पर भी आई टू लिखना चाहिए, तो पाई वन अपॉन आई टू हमारा एम वन टू हो गया, क्योंकि पाई आर वन स्क्वायर इनटू म्यू नॉट आई पाई टू आर टू हो गई, और इस आई को इधर नीचे ले आए, म्यू नॉट पाई आर वन स्क्वायर, तो मतलब जो जो है वो देखो बाद में देखते हैं, ढूंढने मिल जाएगा नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पर एक ही लूप था, अगर मान लो ऊपर एन वन लूप होते एन टू लूप होते कैपिटल एन कैपिटल एन टू, तो मैं इसी चीज को सेम फॉर्मूला इनटू एन वन इनटू एन टू कर देता, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एन टू से मल्टीप्लाई हो जाती और यहाँ पर पाइथन में एन वन और, ठीक है। उल्टा निकालना बहुत मुश्किल है। अब जब यही सवाल पूछते हैं कि अगर छोटे वाले लूप में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो बताओ बड़े वाले लूप में फ्लक्स कितना है, तो ये बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, ये एम वन टू मुझे पता है तो मुझे एम टू वन पता है, ठीक है, और एम टू वन पता है तो उसको 2 एम्पियर से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्लक्स इन कॉइल वन कॉइल टू आ गया, ठीक है। अब जो अगली चीज है पढ़ते हैं, नाउ लेट अस रिकलेक्ट एक्सपेरिमेंट 6.3 इन सेक्शन 6.2। इन दैट एक्सपेरिमेंट ईएमएफ इज इंड्यूस इन कॉइल C1 वेयर एवर देयर वाज एनी चेंज इन करंट थ्रू कॉइल C2, ठीक है। आसपास में दो कॉइल रखी थी, उसमें की ऑन और ऑफ करते थे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता था। लेट ∅1 बी द फ्लक्स थ्रू कॉइल C1, देन करंट इन कॉइल Let phi 1 be the flux through coil C1 say of N1 turns when current in coil C2 is I2, तो यहाँ से N1 phi 1 is equal to M12 I2 हो जाएगा, तो दोनों को differentiate कर दें तो E1 is equal to dy dt of N1 phi 1 dt आ जाएगा, जो कि माइनस M12 dI2 by dt आ जाएगा। तो अगर flux mutual inductance into current है तो EMF mutual inductance into rate of change of current है। EMF in coil 1 is equal to minus of mutual inductance into rate of change of current in coil 2. Minus sign का वही मतलब है जो Lenz's law की वजह से था, यानी कि जिस direction में flux change हो रहा है उसको oppose किया जाए। It shows that varying current in a coil can induce EMF in the neighboring coil. The magnitude of the induced EMF depend upon the rate of change of current and the mutual inductance of two coils. अब बिल्कुल सेम लाइन पर इन्होंने सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन करा लिया, इसमें कुछ भी नया नहीं है, देख लेते हैं। इन द प्रीवियस सब सेक्शन वी कंसीडर द फ्लक्स इन वन सोलेनॉइड ड्यू टू द करंट इन द अदर, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ सिंगल आइसोलेटेड कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल बाई मीन्स ऑफ वेरिंग द करंट थ्रू द सेम कॉइल, ठीक है। मेरे पास एक कॉइल है उसमें करंट वेरी करा रहे हैं इसीलिए उसमें EMF इंड्यूस हो रहा है। दिस phenomena इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इन दिस केस फ्लक्स लिंकेज थ्रू अ कॉइल ऑफ n टर्न्स प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल एंड इज एक्सप्रेस बाई N∅B इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। जो कॉइल है उसमें जो करंट है उसी की वजह से फ्लक्स हो गया और N∅B इज इक्वल टू LI, सेल्फ इंडक्टेंस को L कहते हैं या कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, जो भी कह दो, ठीक है। और पहले की तरह से जो EMF हो जाएगा वो माइनस d∅dt से माइनस L इंटू di/dt हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस अपने अंदर जो करंट चेंज है उसको अपोज करने के लिए EMF पैदा करेगा, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सर्किट विद सिंपल ज्योमेट्रीज, लेट अस कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग कॉइल सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल, ठीक है। तो जैसे वहां पे 2 सोलेनॉइड थे, यहां पर मेरे पास 1 सोलेनॉइड है, एरिया ए ले लिया जैसे वहां पाई R1 स्क्वायर ले रहे थे और लेंथ एल ले ली, हैविंग स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फिर पहले के हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स NL हो गए, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI हो गई और एरिया ए हो गया, इसलिए म्यू नॉट N² ALI हो गया, फ्लक्स और I से डिवाइड कर देंगे तो म्यू नॉट N² AL हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। अब याद करो वहां पर म्यू नॉट N² यहां पर N1 N2 हो गए थे और A की जगह पर पाई R1² हो गया था और N2L हो गए थे, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं इफ यू फिल द इनसाइड ऑफ अ सोलेनॉइड विद मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, तो वही मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर से मल्टीप्लाइड हो जाएगी तो L इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट N² AL हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन इट ज्योमेट्री, वही मतलब कि एरिया कितना है, लेंथ कितनी है,
नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एंड ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, तो सेम डेरिवेशन है, बस इसमें दो कॉइल की बजाय एक कॉइल आ गई. द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो कॉल्ड द बैक ईएमएफ एज इट अपोजेज एनी चेंज इन करेंट इन द सर्किट. ठीक है, फिजिकली द सेल्फ इंडक्टेंस, एक मिनट मैं इस लाइन को दूसरे टर्म्स में समझा दूं ताकि बात समझ में आ जाए. ये जो इन्होंने वर्ड बोला इट अपोजेज एनी चेंज इन द करेंट इन द सर्किट का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास एक रेजिस्टेंस होता, ठीक है, और मैं एक बैटरी लगाता, एक की लगाता, तो जैसे ही की ऑन करता वैसे ही तुरंत रेजिस्टेंस में ई बाई आर करंट फ्लो करने लगता. लेकिन इंडक्टर जो होगा, इंडक्टर में भी वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसमें मैं की लगाऊंगा तो मैं सोचूंगा इसमें भी ई बाई आर करंट फ्लो करेगा, लेकिन इंडक्टर ऐसा नहीं करने देगा, करंट को धीरे धीरे बढ़ने देगा. मतलब ऑब्वियसली समय के साथ तो वो अपोज ही कर रहा है, अंत में तो ई बाई आर ही हो जाना है, लेकिन वो करंट तुरंत ई बाई आर नहीं होगा, वो धीरे धीरे वो अपोज करेगा उस चेंज को. फिजिकली द सेल्फ इंडक्टेंस प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो बस ये समझ लो कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो एक मासलेस बॉडी है जिसको जरा सा फोर्स दे दो तो भागने लगेगी. ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस एक तरह की भारी बॉल है, उस पर फोर्स लगाओगे तो ऐसा नहीं कि फोर्स लगाते ही चलने लगे, फोर्स लगाओगे तो वो धीरे धीरे वेलोसिटी पकड़े. इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स, सो वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ इन एस्टेब्लिशिंग द करंट. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो जैसे हम लोग कैपेसिटर में, अगर याद हो, कैपेसिटर को चार्ज करते थे उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती थी. ठीक है, और फिर हम लोगों ने कैपेसिटर की एनर्जी क्या निकाली थी, हाफ सी वी स्क्वायर. वैसे इंडक्टर, और वो एनर्जी किस वजह से थी, हमने बताया था इट इज बिकॉज ऑफ एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसे यहाँ पर जब मैं रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराऊंगा तो उसकी वजह से मुझे कुछ एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी उस मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने के लिए. और अभी आगे चल करके उसका हम फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे वहाँ हाफ सी वी स्क्वायर होता था, यहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो पावर है डी डब्ल्यू बाई डी टी वो ई एम एफ इंटू आई है, इसको एल आई डी आई बाई डी टी लिख दिया, डी टी डी टी कट गया. ठीक है, ई एम एफ कितना था मेरा, एल डी आई बाई डी टी था. ठीक है, उसको आई से मल्टीप्लाई किया तो एल आई डी आई बाई डी टी हो गया. ठीक, एल आई डी आई बाई डी टी हो गया, और ये डी डब्ल्यू बाई डी टी है तो डी टी डी टी कट गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई हो गया. ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे तो एल आई डी आई का इंटीग्रल एल आई स्क्वायर बाई टू हो गया, जीरो से आई करंट सेटअप कर देंगे. ठीक है, ये एक तरह की उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, सॉरी गलत बोल गया, ये एक तरह से काइनेटिक एनर्जी हो गई. तो कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर. ठीक है, तो वहां पर एक बार चार्ज करके रख दिया तो एनर्जी बनी रहेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह, जैसे मास को उठा करके हाइट पर रख दिया उसके पास एनर्जी है. ये एनर्जी जब तक करंट फ्लो कराओगे तब तक चलेगी, ये फ्लो के साथ एनर्जी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी की तरह. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दिस इज लाइक हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, जहाँ पे एम जो है वो लेंथ के साथ जैसा है, मतलब सॉरी गलत बोल गई, जहाँ पे एल जो है वो मास जैसा है और करंट जो है वो वेलोसिटी के जैसा. अब इन्होंने कहा कंसीडर द जनरल केस ऑफ करंट फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन टू नियर बाई कॉइल. ठीक है, तो मेरे पास दो कॉइल हैं, आई वन में भी करंट फ्लो कर रहा है और आई टू में करंट फ्लो कर रहा है. तो कहते हैं द फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल विल बी द सम ऑफ टोटल फ्लक्स विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती है, जो टोटल फील्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो बी वन प्लस बी टू हो जाएगी. तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, पहले का फ्लक्स प्लस दूसरे का फ्लक्स. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इक्वेशन 6.9 जो मैं पहले लिख रहा था कैन बी मॉडिफाइड टू एन वन फाइव वन इज इक्वल टू एम वन वन आई वन. एम वन वन वही एल को इन्होंने एम वन वन लिख दिया. एम वन वन का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन बिकॉज ऑफ वन, तो बेसिकली वो सेल्फ इंडक्टेंस ही हो गया. तो ये हो गया एम वन वन आई वन प्लस एम वन टू आई टू. ठीक
ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो अपने करंट की वजह से फ्लक्स प्लस दूसरे करंट की वजह से फ्लक्स हो जाएगा। वेयर एम वन वन रिप्रेजेंट द इंडक्टेंस ड्यू टू द सेम कॉइल। अब फैराडे लॉ लगाएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ई वन इज इक्वल टू माइनस एम वन वन डी वन डी आई वन बाई डी टी माइनस एम वन टू डी आई टू बाई डी टी। ठीक है, अब उस एम वन वन को वापस एल वन लिख दिया तो ई वन इज इक्वल टू माइनस एल वन। जो पहला जो टर्म है वो अपने करंट की वजह से इंड्यूस ई एम एफ है और दूसरा टर्म दूसरे करंट के चेंज की वजह से इंड्यूस ई एम एफ। अब ये कह रहे हैं एग्जाम्पल 6.10 में ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एरिया ए एंड लेंथ एल ऑफ द सोलेनॉइड। हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक, तो ये मैं करूँगा तुम्हारे लिए। एनर्जी स्टोर्ड बोल रहा हूँ बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसको मैं हाफ ऑफ एल को म्यू नॉट एन स्क्वायर और के एल मैं जान दू क्योंकि साइड में लिख दे रहा हूं आई स्क्वायर के एल लिख। ठीक है ना, तो यहां से यू बी बाई के एल अगर करूं तो इसको छोटा यू बी लिख देते हैं। यह है मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर को म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई म्यू नॉट लिखो तो ये वी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। ठीक है, अब अगर तुम्हें याद हो तो हमने पहले डिराइव किया था कि कैपेसिटर में V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2 E स्क्वायर। ठीक है, अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट बाय 2 E स्क्वायर होती है, तो हमने वो पीछे पढ़ाई था कि एप्सिलॉन नॉट यहां पे 1 बाय म्यू नॉट डाल दो और V यहां पर E डाल दो या तो E के यहां पे E डाल दो तो सेम रिजल्ट आता था। तो जो ये एनर्जी है कहाँ जा रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने में जा रही है। ये लास्ट टॉपिक बचा छोटा सा है एसी जनरेटर। ठीक है, पढ़ते हैं। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज बीन टेक्नोलॉजिकली एक्सप्लॉइटेड इन मेनी वेज एन एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन द जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। द मॉडर्न एसी जनरेटर with a typical output capacity of 100 megawatt is highly evolved machine. In this section we shall describe the basic principle behind the machine. ठीक है, तो जनरेटर तो बहुत मुश्किल है, हम लोग सिंपल सिंपल से बात करेंगे। ठीक है, द यूगोस्लाव इन्वेंटर निकोला टेस्ला इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मशीन एज वॉज पॉइंटेड आउट इन सेक्शन 6.3। वन मैथड टू इंड्यूस एन ई एम एफ और करेंट इन अ लूप इज थ्रू द चेंज इन द लूप्स ओरिएंटेशन। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके देखा, हमने एरिया चेंज करके देखा, अब हम लोग थीटा चेंज करके देखेंगे। ठीक है, एज कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी द इफेक्टिव एरिया ऑफ द लूप। इफेक्टिव एरिया मतलब ए कॉस थीटा, एरिया तो उतना ही रहेगा। द इफेक्टिव एरिया ऑफ द लूप द फेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज ए कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। दिस मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फ्लक्स चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ सिंपल ए सी जनरेटर। एन ए सी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ए सी जनरेटर आर शोन इन फिगर 6.16। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट। ठीक है, ए सी जनरेटर में क्या होगा, जैसे तुमने बाजार में जनरेटर देखा होगा, बेसिकली एक इंजन जैसी चीज लगी होती है जो कि चलता है, तो एक कॉइल को मैग्नेट में गोल गोल नचाता है। ठीक है, तो कॉइल को नचाने के लिए एक रोटर शाफ्ट लगी होगी, शाफ्ट होगी जिससे रोटेशन पास होगा। ठीक है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम लोग इस फिगर में देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सिस इज इन टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, द कॉइल कॉल्ड आर्मेचर इज मैकेनिकली
रोटेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाई सम एक्सटर्नल मीन्स, जैसे डीजल इंजन चला करके चला दो, ठीक है ना, या अगर टर्बाइन चला दो, मान लो तुम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देख रहे हो तो, ठीक है, या किसी और तरीके से चला दो. द रोटेशन द कॉइल कॉजेज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट टू चेंज, सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. ठीक है, द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट बाई मीन्स ऑफ अ स्लिप रिंग एंड ब्रशेस. ठीक है, तो ये देखो इन्होंने स्लिप रिंग डाल रखी है. स्लिप रिंग कैसी चीज़ है, बेसिकली क्या होगा, अगर मान लो कोई नाच रही है और उसमें तार जोड़ दोगे तो सारा तार लपेट लेगी अपने साथ. तो स्लिप रिंग ऐसी चीज़ है कि जो जो शैफ्ट होती है उसके ऊपर दो रिंग लगी होती हैं जो शैफ्ट के साथ साथ नाचती हैं, और ब्रशेस क्या होते हैं, उस स्लिप रिंग को टच करते हुए लोहे के टुकड़े होते हैं. तो दोनों में कॉन्टैक्ट बना हुआ है लेकिन जुड़े नहीं हुए हैं. ऐसा नहीं कि तार से जोड़ दोगे तो लपेट लेगा साथ में, लपेटेगा नहीं, साथ साथ घूमता रहेगा. ठीक है, वेन द कॉइल इज रोटेटेड द कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, द एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एंड द एरिया वेक्टर ए ऑफ द कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. तो अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इनिशियल एंगल जीरो मान ले, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो गया. ठीक है, एज रिजल्ट द इफेक्टिव एरिया, तो मेरा बी ए कॉस थीटा इतना पढ़े के क्या करेंगे, जो बी ए कॉस थीटा है वो बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया, ये फ्लक्स हो गया. अब एन टर्नो तो एन बी ए कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी हो गया, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो माइनस कॉस मतलब कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एक साइनोसॉइडल ईएमएफ जनरेट हो गया. ठीक है, एसी जैसा होता है हम लोगों का, जिसका मैग्नीट्यूड है एन बी ए ओमेगा, यानी कि जितना स्ट्रांग फील्ड होगी, जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और जितने ज़्यादा चक्कर घुमाओगे, जितना तेज घुमाओगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा. ठीक, वेयर एन बी ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ व्हिच अकर्स एट साइन ओमेगा टी इक्वल टू प्लस माइनस वन, इसको हम लोग ई नॉट कह देते हैं. तो इसका मतलब ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा. ठीक है, हम लोग एसी में इसको खूब पढ़ेंगे. अब ये कह रहे हैं, सिंस द वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन वेरीज बिटवीन प्लस वन एंड माइनस वन, द साइन और द पोलैरिटी ऑफ द चेंज ऑफ ईएमएफ चेंजेस विद टाइम. ठीक है, एसी में क्या होता है, ऐसा नहीं कि एक वाला तार प्लस है एक वाला तार माइनस है. ठीक है, वो लगातार पोलैरिटी चेंज कर रहा होगा. नोट फ्रॉम फिगर 6.17 दैट द ईएमएफ हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन थीटा इज 90 और थीटा इज इक्वल टू 270. तो इन्होंने एक ग्राफ बना दिया. ठीक है, तो देखो स्टेज वन क्या है, थीटा जीरो है. ठीक है, थीटा जीरो है, इसमें कॉस थीटा की वैल्यू वन है, तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो है, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ जीरो है. फिर 90 डिग्री टर्न किया तो इस समय थीटा 90 है. ठीक है, तो माइनस तो कॉस थीटा की वैल्यू इस समय जीरो है, इसमें फ्लक्स जीरो है बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है, तो साइन थीटा 90 हो गया. फिर ऐसे ही 180 पे फिर से ईएमएफ जीरो हो जाएगा और 270 पे माइनस ई नॉट हो जाएगा, मतलब उल्टी डायरेक्शन हो जाएगा, और फिर 360 पे साइकिल पूरी करके वापस जीरो हो जाएगा. ठीक है ना, द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस पीरियोडिकली एंड देयरफॉर द करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट. अब ओमेगा को उन्होंने 2π × फ्रीक्वेंसी लिख दी, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जैसे हमारे घर में अगर बिजली आती हो 50 Hz की है, तो हमारे घर में ओमेगा 100π हो जाएगा. तो इसको हम ई नॉट साइन 100π t जैसे ई नॉट साइन 2π ν t लिख लेंगे, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन. नोट दैट द इक्वेशन 6.22 एंड 6.23 गिव द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ई विच वेरीज बिटवीन ई नॉट एंड माइनस ई नॉट पीरियोडिकली. वी शेल लर्न हाउ टू डिटरमाइन द टाइम एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट इन द नेक्स्ट चैप्टर. ये तो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो कभी बढ़ रही कभी घट रही है, इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालें ये आगे. इन कमर्शियल जनरेटर द मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ द आर्मेचर इज प्रोवाइडेड बाई वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक में. अल्टरनेटिवली द वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम यूजिंग कोल और अदर सोर्सेज, जैसे थर्मल पावर प्लांट में. ठीक है, या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी ना, वहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर अल्टीमेटली हीट ही पैदा करते हैं जिससे स्टीम से हम लोग टर्बाइन घुमाते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड थर्मल जनरेटर. इंस्टेड ऑफ कोल इफ अ न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज्ड वी कॉल्ड न्यूक्लियर पावर जनरेटर.
मॉडर्न डे जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर एज हाई एज 500 मेगावाट, दैट इज वन कैन लाइट अप 5 मिलियन 100 वॉट बल्ब. चलो ठीक है. मोस्ट जनरेटर द कॉइल आर हेल्ड स्टेशनरी एंड इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट विच आर रोटेटेड. ठीक है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज 50 हर्ट्स इन इंडिया. इन सर्टेन कंट्रीज सच एज यूएसए इट इज 60, सॉरी इंडिया में 50 हर्ट्स है, यूएस में 60 हर्ट्स. ठीक है. अब ये इन्होंने एग्जांपल दे दिया. कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइकिल, द पेडल्स ऑफ द बाइसिकल आर अटैच्ड टू 100 टर्न्स कॉइल. तो एन की वैल्यू कितनी होगी 100, ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर ए आ गया. द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड. तो इसका मतलब न्यू आ गई हाफ या ओमेगा आ गई पाई, 2 पाई न्यू की वजह से पाई आ गई, पाई रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. एंड इस प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला. ठीक है. कोई मैग्नेट लगा के परपेंडिकुलर, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज. तो भाई एन ए बी ओमेगा में 100 इंटू 0.1 इंटू पाई इंटू 0.01 की आंसर आ जाए. ठीक है. तो 0.3 वोल्ट के आसपास आंसर आ गया. ठीक.